श्रीनगर में चल रही जीएसटी काउंसिल की आज की बैठक खत्म हो गई। सूत्रों से खबर है कि 9 में से 7 नियमों को काउंसिल ने मंजूरी दे दी है। जीएसटी काउंसिल की कल फिर बैठक होगी। बैठक के बाद जेटली ने कहा कि एक टैक्स दर तय होगी। अगर कल भी टैक्स की दर तय नहीं हो पाई तो एक और बैठक संभव है। कहा यह भी जा रहा है कि कोयला, चीनी, चाय की पत्ती, कॉफी, खाने वाले तेल पर 5% जीएसटी तय है। हेयर ऑयल, टूथपेस्ट पर 18% जीएसटी होगा। अनाज को टैक्स फ्री रखा जाएगा। अभी अनाज पर 5% टैक्स लगता है। सूत्रों से खबर है कि दूध को भी जीएसटी के दायरे से बाहर रखा जाएगा। जो रूल्स थे जीएसटी के 7 प्रकार के, वो पारित कर दिए गए। 2 पे अभी लीगल कमिटी काम कर रही है। वो जो 2 रिटर्न्स के साथ संबंधित हैं और ट्रांजिशन प्रोविजंस के साथ संबंधित हैं, तो वो रूल्स जैसे ही लीगल कमिटी की रिपोर्ट आएगी अगले कुछ दिनों में, 1 सप्ताह का उनको समय दिया है, तो वो उस पर जीएसटी काउंसिल उस पर काम करेगी। श्रीनगर में चल रही जीएसटी काउंसिल की आज की बैठक खत्म हो गई है। सूत्रों से खबर है कि 9 में से 7 नियमों को काउंसिल ने मंजूरी दे दी है। जीएसटी काउंसिल की कल फिर बैठक होगी। बैठक के बाद जेटली ने कहा कि एक टैक्स दर तय होगी। अगर कल भी टैक्स की दर तय नहीं हो पाएगी तो एक और बैठक संभव है। कहा जा रहा है कि कोयला, चीनी, चाय पत्ती, कॉफी, खाने वाले तेल पर 5% जीएसटी तय है। हेयर ऑयल, टूथपेस्ट पर 18% जीएसटी लगेगी। अनाज को टैक्स फ्री रखा जाएगा। अभी अनाज पर 5% टैक्स लगता है। सूत्रों से खबर है कि दूध को भी जीएसटी के दायरे से बाहर रखा जाएगा।